हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज विप्रो का रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि उम्मीद थी कि इस बार जो रिजल्ट है इसका अच्छा आएगा, तो उसी के हिसाब से जो मार्केट ने इसका जो स्वागत भी किया और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया। तो चलिए डिस्कस करते हैं विप्रो का रिजल्ट। इस PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जितने भी फिगर्स हैं वो सभी मिलियंस में हैं, तो मैं उसे करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये Q3 का है, ये Q2 है और ये एक साल पहले का Q3 है। सो कंपनी की जो टोटल इनकम हुई है 23,867 करोड़ रुपीज़ के अराउंड है, वहीं प्रीवियस क्वार्टर में जहां कंपनी की 23,000 करोड़ के आसपास की इनकम थी। और वहीं अगर एक साल पहले से हम कंपेयर करें तो जहां पे हमें देखने को मिलता है कि जो कंपनी की टोटल इनकम थी वो 20,000 करोड़ के आसपास थी। तो यहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हमें अच्छे खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर चेक करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर भी हमें अच्छा खासा इसमें यहाँ पर इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 15% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। सो Q3 में जो कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा वो 19,894 करोड़ के आसपास रहा। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 19,600 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस हुआ था। वहीं अगर एक साल पहले देखें तो वहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंस था वो 17,000 करोड़ के अराउंड में था। सो कंपनी का जो अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो प्रॉफिट Q3 में कंपनी का जो प्रॉफिट देखने को मिला है वो देखने को मिला है 3,065 करोड़ रुपीज़ के अराउंड में। और अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 2,650 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में। वहीं एक साल पहले से अगर हम कंपेयर करते हैं जहां पे 2,972 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। अर्ली बेसिस पे देखें, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, कंपनी ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो वहाँ पे और अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। जहाँ पे लास्ट इसके जो 2 quarters थे वो थोड़े से वीक आए थे, बट अगर ये जो रिसेंट का क्वार्टर देखें Q3 में कंपनी ने अच्छा कमबैक किया है और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दिया है। Q3 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर वो 5.5 रुपये के अराउंड में है। वहीं एक साल पहले कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5.40 रुपये के अराउंड था। और प्रीवियस क्वार्टर आप देखिए तो यहाँ से हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम देखें तो हमें रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलती है, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलती है, हर सेगमेंट में हमें प्रीवियस क्वार्टर से ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। देखेंगे कि आप कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और वीडियो भी इसका अपलोड किया था, वो इस वीडियो को भी आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें मैंने इसके टेक्निकल्स को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।